हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर शिप। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ टू आ स्काईलार्क बाय पीबी शैले पोएम की समरी, जिसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट टू जो है स्टार्ट करते हैं। लाइक अ रोज एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म विंड्स डी फ्लावर्ड टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग थीव्स। कहते कि जिस तरह एक रोज़ जो है अपनी ग्रीन लीव्स के साथ घिरा होता है ना, और जब हवा चलने से वो सारा डी फ्लावर हो जाता है, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो सारी उखड़ जाती हैं, तो वो कितनी खुशबू देती हैं। तो इसी तरह से जो स्काईलार्क है वो भी जब गाना गाती है तो उसकी जो गाना है वो हवा में फैलता है। जैसे वो खुशबू हवा में फैल जाती है, तो ऐसे ही उसका भी गाना जो है हवा में फैलता है और दूसरों को बहुत ही अच्छी जो है फीलिंग जो है देता है। इस स्टैंजा में पोइट अब जो स्काईलार्क की आवाज़ को रेन के बूंदों से कंपेयर करता है, कि जब रेन की बारिश की जो बूंदें हैं फ्लावर्स के ऊपर पड़ती हैं, उसी के साथ फ्लावर्स जो हैं पनपते हैं, और वही बूंदें जब वो ग्रास के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ग्रास जो है चमकदार हो गया। तो इन सब चीज़ों से बढ़कर है जो उसकी आवाज़ है स्काईलार्क की, वो उससे भी ज़्यादा फ्रेश, उससे भी ज़्यादा क्लियर जो ये चीज़ें हैं, फ्रेश होती हैं, क्लियर होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मीठी जो है स्काईलार्क की आवाज़ होती है। स्टैंजा 13 में जो पोएट है स्काईलार्क को बोलता है कि तुम जो एक स्पिरिट हो या तुम बर्ड हो, जो भी हो, तुम्हारी जो मीठी आवाज़ है वो हमें उसको ऐसे कैसे निकालती हो, तुम हमें भी सिखाओ। कि मैंने तुम्हारे जैसी आवाज़ के जो गाने हैं वो सिर्फ तभी सुने हैं जब लोग प्यार में होते हैं या फिर नशे में होते हैं, इसके अलावा ऐसे मधुर जो गाने हैं वो मैंने कहीं नहीं सुने, तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मधुर है। 14 स्टैंजा में पोइट कहता है कि कोरस हाइमीनियल और ट्रायम्फल चैंट मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट ए थिंग वेयर इन वी फील देर इज़ सम हिडन वॉन्ट। कि जब हम खुश होते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कोई किसी भी तरह की कोई खुशी होती है, हम जश्न मनाने के लिए गाने गाते हैं, लेकिन जो उस जश्न मनाने के लिए जो हम गाने गाते हैं वो भी तुम्हारी आवाज़ के गानों से बिल्कुल मैच नहीं होते। तुम्हारा जो गाने का तरीका है वो बिल्कुल ही सब चीज़ों से अलग है। स्टैंजा नंबर 15 में पोएट कहता है कि तुम्हारी खुशी का क्या कारण है, कि तुम किन खेतों को देखकर खुश होते हो, किन वेव्स, किन लहरों को, किन माउंटेन्स को, स्काई को या प्लेन को, कुदरत की कौन सी चीज़ को देखकर तुम खुश होती हो, तुम क्या कारण है कि तुम हर वक्त जो है प्यार में डूबी रहती हो, क्या तुम्हें दर्द का कोई एहसास नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता कि दर्द क्या होता है। तो इन तुम्हारी बेसिकली वो पूछ रहा है कि तुम्हारी खुशी का क्या कारण है और कितनी खुशी में तुम गाने गाती हो, ये सब तुम्हारी खुशी से ही आती है, तो उसका क्या कारण है। स्टैंजा नंबर 16 में पोइट कहता है कि तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही खुशी वाली लैंग्वेज है, मींस जब तुम गाना गाती हो तुम इतनी खुशी से गाती हो जो अंदर से आती है, और उसे सुनकर ऐसा लगता है कि तुम कभी भी जो तुम्हारे आसपास जो है कोई परेशानी नहीं आई, तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं आया, तुम्हारी आवाज़ जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा मिठास है, बहुत ही मधुर है, जिससे ये क्लियर होता है कि तुमने कभी आज तक कोई भी दुख का एहसास नहीं किया है, कोई भी दर्द जो है तुम्हें नहीं हुआ है। सो ये सब चीज़ें तो जो खुशी में तुम मधुर गीत गाते हो ये तुम्हारे अंदर से निकलते हैं। स्टैंजा नंबर 17 में पोइट कहता है कि जागते हुए या सोते हुए तुम्हें कभी कोई मौत का ख्याल नहीं आया होगा, क्योंकि इंसानों को, जो एक इंसान है उसको हर दम एक मौत का डर लगा रहता है, क्योंकि हम मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स मीन्स कि जिसने जन्म लिया है वो ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा, तो तुम्हें ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो गाने हैं क्रिस्टल स्ट्रीम की तरह है, एक बिल्कुल साफ पानी की बहती नदी की तरह है, जिसमें कोई डर नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव हो, सब कुछ पॉजिटिव ही है, तुम बहुत ही खुश मिजाज हो, इसलिए जो तुम्हारे हैं गाने हैं वो बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही मधुर आवाज़ जो है वो तुम्हारी है। स्टैंजा 18 में पॉइंट कहता है कि हम जो कि इंसान है या तो वो आने वाले टाइम के बारे में सोचते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, या फिर जो पास्ट है उसके बारे में सोचकर परेशान होता रहता है, हमारी जो सिंसियरेस्ट लाफ्टर है वो उसके अंदर भी पेन है, हम कभी खुलकर नहीं हंसते हैं, हमारी खुशी में भी गम होता है, और हम जितने भी मधुर गाने गा लें उसमें भी हमारे अंदर एक दर्द छुपा होता है, हमारे मधुर गानों में भी एक दर्द छुपा होता है। इन शॉर्ट पॉइंट कहना चाहता है कि हम
तुम्हारी तरह बेफिक्र परवाह होकर कभी भी नहीं जी सकते हैं, नहीं गा सकते हैं, नहीं खुश रह सकते हैं, हम तुम्हारी तरह खुश मिजाज जो है नहीं हो सकते हैं। स्टैंजा नंबर 19 में पोएट कहता है कि अगर हमने भी अपनी लाइफ से नफ़रत को, घमंड को, डर को ख़त्म कर दिया होता तो हम भी इस तुम्हारी तरह होते, जो कभी ना रोए होते, ना ही हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई पेन होता, और हम भी ऐसा गाना गाते जो हम कभी सोच भी नहीं सकते जैसे तुम गा रही हो। तुम्हारा जो गाना है बिल्कुल जॉय से भरा हुआ है, बिल्कुल खुशी से भरा हुआ है, और ऐसी चीज़ें हमारे आसपास कभी नहीं हुई हैं, क्योंकि हमारे अंदर हेट है, प्राइड है, फियर है, हम इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं। स्टैंजा 20 में पोएट कहता है बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, द स्किल दाई स्किल टू पॉइंट वर दोस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, कि जितना भी इस दुनिया में जो भी डिलाइटफुल चीज़ें हैं, डिलाइटफुल साउंड है, उन सब से बढ़कर जितना भी बुक्स में ट्रेजर्स है, जो भी ज्ञान भरा हुआ है किताबों में, उन सब से बढ़कर तुम्हारा जो स्किल है वो है, क्योंकि तुम्हारे ही मधुर गीत को सुनकर जो पोएट हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं, और वो अच्छे अच्छे जो पोएम्स हैं वो लिखते हैं। तो बेसिकली जो ये हर डिलाइटफुल चीज़ से बढ़कर, हर बुक्स के ट्रेजर से बढ़कर तुम्हारा जो मधुर गीत है, इन सब चीज़ों से ऊपर है। स्टैंजा नंबर 21 में पोएट कहता है कि जितनी तुम खुश हो, अगर तुम मुझे इसका आधी भी खुशी का भी कारण बता दो, आधा भी मैं तुम्हारे तरह बन जाऊं, मेरे दिमाग को तुम्हारी आधी खुशी का भी कारण पता चल जाए, तो मेरे अंदर भी ऐसे ही हारमोनियस मैडनेस आ जाएगी, मेरे भी मुंह से ऐसे ही मीठे मीठे मधुर मधुर शब्द निकलेंगे, ये वर्ल्ड मुझे भी इस तरह से सुनेगा जैसे मैं तुम्हें इस तरह से अभी सुन रहा हूँ। तो फाइनली जो ये पोएम है 21 स्टैंजस की ख़त्म होती है। शैली भाई साहब ने बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा है इस छोटी सी चिड़िया के लिए, तो अभी फाइनली इसको हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक दिट, इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।